नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। एकाएक बड़ी शीत लहर के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है, तो वहीं सर्द हवाओं के साथ अचानक बड़ी शीत लहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। वहीं तेज गलन के साथ बड़ी ठंड ने लोगों को गर्म कपड़ों के साथ घरों में ही सीमित कर दिया है, जिसके कारण शाम होते ही बाजारों व कस्बों में सन्नाटा पसर गया और लोग अलाव जला करके उसी के इर्द गिर्द बैठे हुए नजर आए। इस सर्दी के चलते बीमारियों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आइए सुनते हैं कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट में कि लोगों का क्या कहना है। नहीं है कोई यहाँ व्यवस्था, कोई लकड़ी ईंधन का नहीं है। हम लोग बुढ़े आदमी मर रहे हैं, परेशान हैं। चार चौराहे पे कूड़ा कबाड़ लिया कर जला रहे हैं, ताप रहे हैं। अब क्या करें, कैसे ठंड जाए। बहुत तेज ठंडी पड़ रही है भाई। नाम आपका क्या है दादा? नाम आपका क्या है दादाजी? गंगा प्रसाद।